हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। स्टूडेंट्स, कई बार आप हमें मैसेज करते हो कि आपको हमारी वीडियोस नहीं मिली, तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिल सके। नाउ स्टूडेंट, हम 8th क्लास का 14 चैप्टर कर रहे थे। आज 14.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे। नाउ स्टूडेंट, 14.2 एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो तक हम 10 सम कर चुके हैं, आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। 11 सम देखो, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज माइनस वाई जेड। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले जो बाहर है उसको अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को अंदर तीनों के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब ये फोर टर्म्स हो गई हमारे पास, फिर से वैसा ही सम बन गया जैसे हम लास्ट कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट टू में से कॉमन निकालना है और लास्ट टू में से, देन इसके फैक्टर बन जाएंगे। फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे टू एक्स हैं, एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स बाहर आ गया, अंदर एक एक्स बच जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ से x बाहर है तो क्या बचा, y। एक ब्रैकेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, और क्या कॉमन है, z दोनों में है तो z कॉमन निकाल लिया। अंदर ब्रैकेट में यहाँ पे x बचा, अब ये माइनस तो बाहर है तो अंदर साइन चेंज होने वाला है ना, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे z बाहर है, अंदर y, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई ना, ये टू टर्म्स होगी, वन टू, दोनों में एक्स प्लस वाई सेम है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा फिर, एक ब्रैकेट में x माइनस जेड। ये हो गए 11 सम के फैक्टर। नाउ स्टूडेंट, 12 सम देखो, यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x को अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट वाली वैसे ही रहेंगी, अब फोर टर्म्स हो गई ना, पहली दो और लास्ट वाली दो, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। फर्स्ट में से एक्स कॉमन निकल रहा है, वाई भी कॉमन निकल रहा है, एक्स वाई हो गया कॉमन, लास्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स माइनस वन, माइनस है ना दोनों में, तो माइनस और साथ में वन कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर एक्स वाई कॉमन निकला, अंदर बचा यहाँ पे एक एक्स प्लस वन, एक्स वाई दोनों कॉमन आ गए ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स वन, वन से मल्टीप्लाई करें। देखो अगर आपने चेक करना होता है ना कि हमने ठीक किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनको अंदर लेके जाओ मल्टीप्लाई करके, देखो ऊपर वाले बन रहे हैं, अगर तो बन रहे हैं इट मीन्स आपने ठीक फैक्टर बनाए हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस वन, अंदर एक्स, साइन चेंज होने वाला है, माइनस है बाहर तो प्लस वन। अब दोनों टर्म्स में से एक्स प्लस वन कॉमन आ गया फैक्टर, ठीक है, ब्रैकेट कॉमन है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एक्स वाई माइनस वन एक ब्रैकेट में। ये हो गए 12 सम के फैक्टर्स। नाउ स्टूडेंट, 13 सम जो है वो केयरफुली करना है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है ना, तो जब आप एक्स को अंदर लेके जाओगे तो माइनस भी नेचुरली इसके साथ जाएगा ही जाएगा, अंदर है ना मल्टीप्लाई करेगा, तो बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये याद रखना है आपने। अब आपने ब्रैकेट खोलनी है, पहले एक्स टू वाई जेड ऐसे ही आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस टू एक्स वाई, देन माइनस जेड जो है, एक्स जो है जेड के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस एक्स जेड। अब ये फोर टर्म्स हो गई हैं, ठीक है। फोर टर्म में से हमने देखना है कि किस टर्म को किसके साथ ले। अब अगर हम फर्स्ट टू लेते तो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा दोनों में से, है ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि पहले इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ। जैसे आप एक और स्टेप भी बढ़ा सकते हो इसका, टू वाई जेड, ये माइनस एक्स जेड पहले लिख लो, ये वाले जो हैं दोनों ये कैसे लिखोगे, पहले टू एक्स वाई, ठीक है, पॉजिटिव पहले लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टू और लास्ट टू,
इनमें से आप कॉमन निकाल सकते हो, है ना। इजी हो गया ना। अब ये y, यहाँ पे z कॉमन निकल रहा है तो अंदर बचा 2y माइनस x एक ब्रैकेट में, दूसरी तरफ x कॉमन निकल रहा है यहाँ पे 2y माइनस x, ठीक है। अब देखो दोनों टर्म में से ब्रैकेट सेम हो गई ना, तो अब जो भी ब्रैकेट सेम होती है उसको हम वन टाइम लिखते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो इसको 2y माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा एक z प्लस एक्स एक ब्रैकेट में। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।